तो सृष्टि थी तुम्हारी बातें सुनने के लिए, लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं था। सच कह रहा सृष्टि मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं सच में बहुत कुछ शेयर किया करता था उसके साथ। आज वो कोमा में, अगर वो मेरी बात सुन पाए ना, अगर सुन सके तो सच कहना वो भी मेरा दुख ना सहन नहीं कर पाएगी। अरे तुम क्या हेट 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 लगा कर बैठे हो? अरे नहीं हेट करती हो मुझसे, बहुत प्यार करती है। जब भी मेरी और पिता की लड़ाई हुआ करती थी ना, पता है वो हमेशा मेरी साइड में हुआ करती थी। सच बिलीव मी, हमेशा मेरी साइड लिया करती थी। अरे पिछले 20 साल तुम बहुत अच्छे से जियो, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं था ना कि तुम्हारा ये बाप जिंदा है। कि मेरे बारे में सोच के देखो, मैं जिया हूं सिर्फ इन दो खबरों के साथ में कि मेरी पत्नी प्रीता मर चुकी है और मेरा बेटा रुद्र हमेशा हमेशा के लिए खो गया है, जो पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबके पास में सब है, दुख सुनने वाले, शिकायतें सुनने वाले, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। कोई नहीं है मेरे पास राजवीर। और तुम मुझे मिल गए हो मेरे बेटे। तुम मेरी बात सुनोगे, मेरे दुख सुनोगे, मेरी शिकायतें सुनोगे तुम? हैं? चलो सुनो, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो। कम ऑन गेट अप, अपनी आंखें खोलो राजवीर। मैं तुम्हें सुनाता हूँ अपने दुख, अपने दर्द। सुन पाओगे? बहुत नफरत करते हो ना मुझसे, तुम्हें ऐसा लगता ना जैसे मैंने तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दिया है। ठीक है बेटा, ये सब कुछ जो मैंने बिगाड़ा है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, सच कह लो। और तुम जो इतनी नफरत करते हो ना मुझसे, मैं इस सारी नफरत को प्यार में बदल दूंगा। सच कह रहा हूँ राजवीर, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिता से है नाम तेरा, पिता पे है जान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता तेरा। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। मॉनिटर रूम का दरवाजा क्यों खुला है? लाइट कैसे चली गई? कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई है इसके अंदर? जूते किसके हैं और यहाँ क्यों रखे थे? मैं इन्हें बाहर हॉल में रख देता हूँ और फिर काबे बेबी को बता दूंगा, शायद उनके किसी दोस्त के हैं जो गलती से यहाँ भूल गया है। हाँ बाद में ले जाएगा ये। हेलो वरुण, बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हें इतनी रात में फोन किया, पर मैंने सोचा था अगर तुम दो रिंग में नहीं उठाओगी तो मैं फोन रख दूंगा, दैट मींस तुम सो गई होगी। नहीं नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, सोने की कोशिश कर रही थी। दैट मींस तुम भी वही फील कर रही हो जो मैं फील कर रहा हूँ। क्या? आई मीन कल के लिए यार मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। क्यों? आई डोंट नो,
I mean, कल हमारी एंगेजमेंट है। बस वही सब सोच के स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा था यार। पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश हूँ, but you know what I'm thinking is कि मैं सच में तुम्हारे लायक हूँ भी कि नहीं। पर तुम मुझे छोड़ने की या एंगेजमेंट तोड़ने की बात तो नहीं सोच रही हो ना? कैसी बात कर रही हो काव्या तुम? What I meant is कि तुम लूथरा खानदान की बेटी हो, इतने बड़े खानदान की बेटी हो। And I'm just a normal वरुण, a normal boy। अरे वरुण, तुम जैसे हो ना मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो। हाँ, अब इतनी रात को ये सब बातें मत सोचो, सो जाओ और कल शाम को मिलते हैं एंगेजमेंट पार्टी में, ठीक है? और सुनो, इतना सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट काव्या। और सुनो। हाँ काव्या। एक बार फिर से बोल रही हूँ, तुम जैसे हो ना मुझे वैसे अच्छे लगते हो। ओके, थैंक यू काव्या, दिस वॉज मच रिक्वायर्ड। गुड नाइट। ओके। प्रीता जी धीरे चलिए ना। गुरप्रीत दी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अभी तक राजवीर नहीं आया है। वहां से उन्होंने कहा था ना निकल गया है, तो पहुंचा क्यों नहीं? इतने बजे तो ऑटो भी नहीं मिलता है आराम से। अब 5 मिनट में यहाँ नहीं पहुंचा ना तो मैं निकल जाऊंगी उसे ढूंढने। अरे नहीं, चलिए। पलकी, तुम्हें पता है राजवीर कहाँ है? चलो घर चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ। नहीं आ सकता घर में। राजवीर नहीं चल सकता घर। स्टॉप इट। ये चेहरे के साथ मैं घर जाके क्या बोलूंगा माँ को, बताओ ना। पलकी, कुछ पूछा है तुमसे? नहीं, मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है। राजवीर है? राजवीर, राजवीर, तूने रिंग की है? प्रीता, मैंने कहा था ना कि मैं राजवीर को घर वापस लेकर आऊंगा। ले आया। थैंक यू, लेकिन इसे क्या हुआ? इसने ड्रिंक की है क्या? अब वो मैं पहले इसको अंदर ले चलते हैं। एक मिनट। सजदा रब ने जो जोड़ा लिखा है वो जोड़ के ही रहता है। पलकी, तू टेंशन ना ले है? गलती तो इंसान से ही होती है ना, कोई बात नहीं। कभी कभी इंसान टेंशन में पी लेता है या कभी कोई दोस्त जबरदस्ती पिला देता है ना? दिल से ये बात मत लगाना, ठीक है? राजवीर बहुत अच्छा लड़का है, सच्ची। चल आज। आराम से, आराम से। प्रीता, इससे कुछ मत कहना। इसको मत बताना कि मैं इसको यहाँ तक, घर तक छोड़ने आया था। एम्बेरेस फील करेगा। जब इसको पता चलेगा कि मैंने इसको ऐसी कंडीशन में देखा और मुझे इसको यहाँ घर तक छोड़ने आना पड़ा। प्लीज कुछ मत कहना इसे। राजवीर करण सर के लिए कैसी बातें कर रहा था, पर करण सर कितने स्वीट है, कितना ख्याल रख रहे हैं इसका। हाँ, अभी तो ये होश में ही नहीं है। एक बार सुबह उठता है तो अच्छे से बात करती हूँ इससे। प्लीज प्रीता, इसको डांटना मत, प्लीज। क्या होता है ना, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ
ऐसी तकलीफें होती हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, आप ना किसी को बता नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुट के जी रहे होते हो, तो एक ही तरीका बचता है, वो ड्रिंक्स। हो सकता है कोई ऐसी बात रही हो, फिर शायद पता ही ना चला हो कितनी कितनी ड्रिंक्स हो गए, इस वजह से शायद ज्यादा ज्यादा पी ली होगी इसने। प्लीज कुछ मत कहना इसे, प्लीज। क्यों नहीं रांटू, मेरा बेटा है, मैं उसे क्यों नहीं रांटूंगी, डांटूंगी ही ना, पी कर आया है घर पे। प्रॉब्लम्स किसको नहीं होती हैं, सब लोगों को होती हैं, तो सारे लोग क्या नशे में डूब जाते हैं। और देखिए आप प्लीज इसकी गलतियों पर पर्दा मत डालिए, गलती गलती होती है। अब आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, और वैसे भी ये तो राजवीर को लेकर ही आया ना यहाँ पर, इसमें इनकी क्या गलती है? अरे नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज इनसे कुछ मत कहिए, आप इनकी क्या गलती है, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ ना, शायद मेरी वजह से इनको गुस्सा आ गया। सॉरी प्रीता। चलता हूँ मैं। और हाँ, कल काव्या की एंगेजमेंट है घर पे, आप प्लीज आप आइएगा। प्रीता, तो अगर राजवीर के साथ आओगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, प्लीज। मैं नहीं आ पाऊंगी, कल मेरी जॉब का पहला दिन है ना, तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन काव्या के लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। आई नो, आई नो। पलकी, तुम भी थक गई होगी ना, तुम अब अपने घर जाओ, आराम करो, मैं हूं राजवीर के साथ। गुड नाइट। वेट वेट वेट, यहाँ नहीं, इसको वो पीछे वाले टेबल पे रखो। निधि बेटा, डेकोरेशंस होती रहेंगी, तू आ जा, ब्रेकफास्ट तो कर ले पहले। ओ सॉरी, मैंने आप लोगों को भी डिस्टर्ब कर दिया ना। कोई डिस्टर्ब नहीं किया, राखी का कहने का ये मतलब है कि हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो, आ जा। यस मॉम, कम ब्रेकफास्ट करते, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा आई एम श्योर। Good morning, guys. Good morning. Good morning. I knew it. Please, बैठिए, खाइए. Look at yourself, आप खाती नहीं है. देखा आप लोगों ने, कितनी केयर करता है मेरी, कितना प्यार करता है. इससे पता होता है मैंने कब खाया है, मैंने कब नहीं खाया है. Of course, mom, I love you, ना. I love you too. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, Dad. Good morning, Mom. कैसा है पेन आपको? Good morning, Daddy. Good morning. Good morning. Good morning, my little girl. कैसा लग रहा है आज? कैसा लग रहा है? Why are you looking so confused? क्या हुआ? माना कि आज का दिन बहुत बड़ा है, आज एंगेजमेंट का दिन है, इसलिए फीलिंग्स बड़ी होती है, लेकिन कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है बेटा। रहूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी। पापा, आप भी ना, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूं, आई एम गुड। गुड। तो सॉरी, क्या हो गया आपको, कहाँ जा रहे हैं आप? राजवीर, राजवीर को देखा तुमने, कहाँ गया वो? आप
नफरत करता हूँ करण लूथरा से, उस हर इंसान से जिसका चेहरा करण लूथरा के जैसा दिखता है। आज इस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ने प्रूव कर दिया कि वही मेरा लूथरा है, वो मेरा बेटा है, इस राजवीर करण लूथरा। मुझे आप सबको एक बहुत बड़ी बात बतानी। पुत्र बस तू बोलता जा, क्या बात है? दादी अनाउंसमेंट बहुत बड़ी है। कैसी अनाउंसमेंट भाई? हमें भी तो बताओ, पता तो चले क्या बात है। अरे मॉम बताऊंगा लेकिन शाम को बताऊंगा, क्योंकि अनाउंसमेंट इतनी बड़ी है, न्यूज इतनी बड़ी है कि ये सुनकर ना आप सबके होश उड़ जाएंगे। ऐसे क्यों करता है पुत्र? बेचैनी होगी ना, बता देना अभी क्या बात है। आई नो दादी बेचैनी होगी, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है बताने का। सही वक्त तब होगा जब घर के सारे लोग एक जगह पे मौजूद होंगे, मतलब इस घर के सारे लोग मौजूद होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सब लोग एक जगह पे जब होंगे ना तब बताऊंगा ये बात, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वाली बात सबको एक साथ पता चले। मेरा सर इतना भारी, ये हेडेक। ओह गॉड, कल रात को मैंने ड्रिंक, ये बैग क्यों पैक कर रहे हो? मतलब आज से पहले तो आपको बैग के साथ कभी देखा नहीं, आप कहीं जा रहे हो क्या? चलो अच्छा है, बैग दिख रहा है, माँ दिख रही है, इसका मतलब होश में तो आ गया है। जितनी भी पी थी कल रात को लगता उतर गई है ना? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तूने क्यों पी थी? माँ, मेरा राजवीर जो कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था, वो कल नशे की हालत में धुत घर आया था। क्यों पी तूने? ऐसी क्या बात हो गई थी? हाँ, चुप खड़ा रहेगा, जवाब नहीं देगा? अब क्या हुआ प्रीता जी? कल रात को जो तू राजवीर था ना, वो मेरा राजवीर नहीं था, कोई और इंसान ही था। और वो जो इंसान था ना, उस पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं हमेशा कहती थी चांद में दाग हो सकता है लेकिन मेरे राजवीर में नहीं, क्योंकि वो इतना होनहार है, इतना जिम्मेदार है, इतना रिस्पॉन्सिबल है। और कैसा गैर जिम्मेदारी का काम किया तूने, नशे की हालत में धुत घर आया है, क्यों हाथ लगाया तूने शराब को? हाँ, अब ये मत कहियो कि मुझे स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रही थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। सारी दुनिया को होती है टेंशन, तो सब लोग बॉटल लेकर नहीं बैठ जाते हैं, और अगर बैठ भी जाते हैं ना तो गलत गलत ही होता है। तू तो गलत नहीं करेगा ना? तूने ऐसा क्यों किया? तेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है क्या? हमने तुझे ये सिखाया है क्या? नहीं ना, बता मुझे। ऐसे ही तो तूने हाथ नहीं लगाया, कोई वजह तो जरूर है। मुझसे बात करेगा कि नहीं, मुझे बताएगा कि नहीं, आखिर बात क्या हुई, क्या मजबूरी आ गई थी? देख, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, तूफान सबकी लाइफ में आते हैं, तो तूफानों से लड़ना होता है, उनके आगे घुटने नहीं टेक देने होते। सॉरी नहीं मिलेगी सॉरी तुझे, आज तो मैं सच्ची तुझसे बात नहीं करने वाली, तुझे माफ नहीं करने वाली। प्रीता जी, आपको तो पता है ना कि राजवीर शराब को हाथ भी नहीं लगाता है, कितनी मुश्किलों से गुजरा है ये, लेकिन इसने कभी शराब पी नहीं ना। क्या पता कल कितनी बड़ी सिचुएशन से गुजरा होगा जो इससे हैंडल नहीं हुई, और इसलिए इसने शराब। अब माफी मांग रहे हैं तो माफ कर दीजिए ना इसे। आ,
एक्चुअली राजवीर ने कहा था कि वो बिल पे कर देंगे, बट उन्होंने अभी 55% ही बिल पे किया है, 45% अभी भी बाकी है। क्या अमाउंट है? 3 लाख मैम। अच्छा ठीक है, इस बार मैंने तुझे माफ किया, लेकिन अगली बार या आगे कभी तूने ऐसा कुछ किया ना, तो फिर मैं पक्का तुझसे बात नहीं करूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी बात से परेशान है, तो मुझसे बात करना, हम साथ में मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ये सब मत करना राजवी। हाँ लव यू मां। तुझे एक बात बतानी है, कब से बतानी है, बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, बैठ यहाँ। एक्चुअली मुझे ना एक जॉब मिल गई है और आज से मैं वो ज्वाइन कर रही हूँ, तो वहीं जा रही थी। नहीं माँ, जॉब तो मैं आपको नहीं करने दूंगा। ऐसे मत बोल, मेरा बहुत मन है जॉब करने का। हॉस्पिटल गई थी ना तो फिजियोथेरेपिस्ट की, तुझे पता है जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं ये जॉब कर सकती हूँ और कल से ज्वाइन कर सकती हूँ, तो मुझे कितना अच्छा लगा, इतना अप्रिशिएटेड लगा, ऐसे लगा कि मेरी भी वैल्यू है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरा बहुत मन है।